गुड इवनिंग दोस्तों, मैं असंभव को संभव में बदलने के लिए पूरी जान लगा देता हूं और मैं हमेशा यूनिक चीजें ढूंढते रहता हूं ताकि मैं वो यूनिक चीजें आप तक मैं पहुंचा पाऊं जिस पर आज तक किसी ने भी यूट्यूब पर बात ना किया हो। वही चीजें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जिस पर आज तक किसी ने यूट्यूब पर बात नहीं किया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आज मैं क्या बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं कि ये जो इमेज है ये कहां से बनाया गया है, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा या फिर अदर कोई सॉफ्टवेयर जो कि स्पेशल डिजाइन करता हो। आप विश्वास नहीं करोगे, ये मैंने पावर पॉइंट में केवल 2 से 3 मिनट में बनाया है। ये इमेज देखो, ये पावर पॉइंट बनाया है। मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं लेकिन ये पावर पॉइंट बनाया गया है, ये पावर पॉइंट में बनाया गया है, ये भी डिजाइन पावर पॉइंट में किया गया है, वो भी 2 से 3 मिनट में। ये भी डिजाइन पावर पॉइंट में, ये भी डिजाइन पावर पॉइंट में और ये भी डिजाइन पावर पॉइंट में। इस डिजाइन को भी पावर पॉइंट में ही बनाया गया है और इस डिजाइन को भी पावर पॉइंट में बनाया गया है और इस डिजाइन को भी पावर पॉइंट, यानी यहां पर जितने इमेज आपको अभी दिखे वो सारे इमेज पावर पॉइंट में बनाए गए, वो भी 2 से 3 मिनट में। मैंने इस पर बहुत बहुत ज्यादा सोचा था कि क्यों ना आपको कुछ ऐसी चीजें बता दिया जाए जहां आपको समय भी कम लगे और आप यूनिक चीजें सीखें। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक अभी कर दे। मुझे पता है आपको न्यू चीज लग रही होगी और मैं इस बताऊंगा आपको। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, करके दिखाता हूं। मैं सेव बनाने से लेकर के लास्ट तक सेव करने तक बताऊंगा कि उसे इमेज में कैसे सेव करना है। इतने सारे इमेज आप देख रहे हो, जैसे आप इस इमेज को देख लो, ये इमेज को मैं कॉपी करके दिखाऊंगा आपको, सेम टू सेम बनाकर दिखाऊंगा। इसके अलावा जितने भी इमेज है सारे इमेज को आप बना सकते हो, टोटल डिजाइन कर सकते हो आप। और पता है आपको कि पावर पॉइंट बहुत ईजी होता है चलाने में, फोटोशॉप चलाने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऐसी डिजाइन आपको करके कोई नहीं देगा आपको। चलो मैं दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं अपना पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूं, राइट। और ओपन करने के बाद ये जो अभी आप देख रहे हो ये एक साइज है। अब ये किस साइज में है ये नहीं पता। अब आपको ये सोचना होगा ना कि आप जो इमेज बनाना चाहते हो, जो डिजाइन करना चाहते हो, वो किस साइज में करना चाहते हो, क्योंकि सबका साइज अलग होता है। अगर आप YouTube पर डालना चाहते हो स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, अगर आप Facebook पर डालना है या Instagram पर डालना है तो स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। अगर आप YouTube थंबनेल बनाना चाहते हो तो वो स्क्वायर में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने साइज को चूज कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लो मैं यहां पर डिजाइन में गया, उसके बाद पेज सेटअप में गया, यहां पर ऐसा दिख रहा है ऑन स्क्रीन शो, मैं यहां पर क्लिक करूंगा। अगर मेरे को YouTube के लिए थंबनेल बनाना है तो ये जो ऑन स्क्रीन है, ऑन स्क्रीन शो 16:9, इसको सेलेक्ट करूंगा। अगर YouTube के थंबनेल बनाना है तो, अगर YouTube का थंबनेल नहीं बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां 10 लिखूंगा और यहां भी हाइट में 10 लिखूंगा और मैं इसको ओके कर दूंगा। ये स्क्वायर में हो जाएगा, ये स्क्वायर में हो जाएगा, जहां पे बनाने के बाद हम किसी फ्रेंड के पास या किसी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं। होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई इमेज में अपना फोटो डालना चाहते हैं और उसमें कुछ लिखना चाहते हैं मोटिवेशनल चीजें, तो वो कैसे बनाएंगे, है ना। तो वो चीजें इसमें आ जाता है। तो मैं यूट्यूब के लिए मान लो थंबनेल बना रहा हूं, तो मैं फेस सेटअप में जाऊंगा, यहां से मैं चूज कर लूंगा ये वाला 16:9 और मैं कर दूंगा ओके कंप्लीट। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप यूनिक चीजें सीखने को मिलने ही वाला है। चलिए सबसे पहले मेरे को यहां पे एक अपना इमेज लाना है। अब अपना जो इमेज है उसमें तो बैकग्राउंड हटा हुआ नहीं रहेगा, हमारा इमेज कुछ रहेगा बैकग्राउंड में कुछ रहेगा तो मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम अपने इमेज का जो बैकग्राउंड है वो हटा लेंगे। कोई सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए मैं नहीं सिखाऊंगा, एकदम चुटकियों में हटा लोगे आप। जैसे देखो, जैसे मैं अपना माइक कंप्यूटर खोल लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज एग्जांपल्स में देखो, इतने सारे इमेज हैं। जैसे मान लो कि मैंने ये इमेज लिया, अभी जब मैं ये इमेज को ओपन किया तो देख रहे हो कि ये इमेज है, इसके बैकग्राउंड में देख रहे हो यहाँ पे अलग चीजें हैं। अच्छा, इसने ये नहीं लोगे तो देखो, ये जो इमेज ओपन हो रहा है
ये जो इमेज है देखो, इसके इमेज में बैकग्राउंड है, हमारा बोर्ड दिख रहा है, लेकिन मुझे ये हटाना है क्योंकि डिजाइन करना है ना मेरे को, मजे नहीं आएगा। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप ब्राउजर ओपन करो। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा लिखना है आपको रिमूव, ठीक है। देखो अब ध्यान दो यहां पर क्या लिखना है आपको, रिमूव डॉट बीजी आप लिख दोगे ना इसको और ऑटोमेटिक आपके पास वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। रिमूव डॉट बीजी के जरिए आप बैकग्राउंड का जो कलर है वो हटा सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो चुटकियों में। यहाँ पे अपलोड फोटो इस इमेज पे क्लिक करो और उसके बाद अपने पीसी में जाओ जहाँ पे आपने उस इमेज को रखा है जिसको आप चेंज करना चाहते हो। मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो इसको मैंने सेलेक्ट करा। अब देखो थोड़ा सा ये आपका जो अपलोडिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। अब ऑटोमेटिक ये जो है इस इमेज का बैकग्राउंड आपके सामने रिमूव होकर यहाँ पे शो कर जाएगा। देखो ये आपका ओरिजिनल इमेज था, अब आपका बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, थोड़ा सा वेट करो। ये आपका फाइनली यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, कुछ भी बैकग्राउंड में नहीं है। आप इसको डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करके देखो, ये बैकग्राउंड का इमेज जो था वो इरेज हो गया, चुटकियों में इरेज हो गया। देखो कहाँ बोर्ड है। अब मैं जाता हूँ इसमें, अब मैं इस इमेज को इंसर्ट में जाने के बाद, पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद, डाउनलोड वाले सिस्टम में जाने के बाद जो इमेज मैंने यहाँ पे करा है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज पर क्लिक करता हूँ और क्रॉप में जाने के बाद ये जो फालतू के जो यहाँ पे स्पेस है मैं यहाँ से इसको रिमूव करके इसको ऐसे करके क्रॉप कर लूँगा। ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जाना है डिजाइन में। कहाँ जाना है आपको, डिजाइन में, और डिजाइन जाने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल में जाना है और यहाँ से एक बैकग्राउंड को लेना है। अगर पसंद नहीं है तो आप फॉर्मेट में जाओ और यहाँ से इस पर क्लिक करो और कोई मोर कलर में जाओ और यहाँ से कस्टम में जाओ और किसी भी एक कलर को यहाँ से करके और क्लोज कर दो। अब आपको क्या करना है, फिर से इस इमेज पर क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से इस पर जाने के करेक्शंस में जाने के बाद इसको कलर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है, कलर्स में जाना है और यहाँ से इसको चूज कर लेना है। अब देखो इसका स्टाइल चेंज हो गया। अब इसकी थोड़ा सा यहाँ पे इमेज साइज को थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेना है, आपको मैंने बड़ा कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा से इंसर्ट में जाना है और यहाँ से शेप में जाना है और यहाँ से एक शेप को लेना है और ये जो शेप है वो है यहाँ पे देखो रेक्टेंगल वाले शेप को लेना है और नीचे में यहाँ पे इसको ये कर देना है ऐसे करके। ऐसे करने के बाद आपको फिर से इस फॉर्मेट में जा करके इसकी कलर को यहाँ पे येलो फिल कर देना है और आउटलाइन को नो कर देना है। अब देखो इमेज का डिजाइन ऐसा आ रहा है जो कि मज़ा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपके। सबसे पहले फिर से इस शेप पर क्लिक करना है, फिर से इस शेप पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट पॉइंट पे जाना है और बीच में कहीं पर इसको लगा। देखो अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखो ध्यान से माउस का जो यहाँ पे दिखा रहा है अभी ये चेंज होगा। देखो देखो चेंज हो गया, इसको खींचो नीचे की तरफ ऐसे, ये फिर खींचो ऐसे, इसको खींचो थोड़ा सा ऐसे ऊपर, इसको खींच सकते हो नीचे ऐसे। अब आप क्या कर सकते हो, इसको ऊपर की ओर खींच सकते हो ऐसे और इसको ऐसे यहाँ पर ला सकते हो। ओके, अभी मज़ा नहीं आने वाला है, मज़ा तो अब आएगा। अब देखो फिर से इसी शेप पर क्लिक करना है और इसी शेप पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबा करके इसको खींचना है, डबल हो गया। अब इसकी कलर को फिल कर देना है रेड और इसको फिर से यहाँ लाना है। लाने के बाद अब क्या करना है, जाना है यहाँ पर सेंड बैकवर्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ से करना है सेंड टू बैक और मेरे को कर देना है सेंड टू बैक। इसको नीचे करना है, अभी भी मज़ा नहीं आने आ रहा है। इस हमारे फोटो पे आपको क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है, इसको भी करना है वही वाला हाल सेंड टू बैक। देख लिया आपने, एक न्यू डिजाइन यहाँ पे आया आपके पास। अगर कोई और कलर चूज करना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एक कलर को यहाँ पर चूज कर लीजिए। चलिए हमने ये कर दिया, अब आगे देखिए। अब मेरे को क्या करना है, और भी डिजाइन करना है, यहाँ पे मेरे को कोई मोटिवेशनल चीज़ें लिखना है तो मैं यहाँ लिखूंगा। एक फिर से इंसर्ट में जाऊँगा, शेप में जाऊँगा, इस पर जाऊँगा और मैं यहाँ से इस पर ऐसे कलर दूंगा और मैं कुछ यहाँ से लिख दूंगा। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे
कि मान लिया तो हार, ठीक है, और ठान जो भी लिखना आपको, और ठान लिया तो जीत, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। मैं साइज को बड़ा कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा ये बोल्ड, ठीक है, और ये कर दूंगा। देखो मज़े नहीं आ रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपने हिसाब से आपको जो फॉन्ट चाहिए उस फॉन्ट को आप यहाँ से यूज़ कीजिए। अभी मज़ा नहीं आ रहा, ये कैसा भद्दा कलर है, ये कितना भद्दा कलर है, ये पता नहीं चल रहा। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि कलर मेंटेन कैसे होता है, क्योंकि बहुत लोगों को डिजाइन तो करने आता है, लेकिन डिजाइन करने के बाद जब वो कोई टेक्स्ट को लिखते हैं तो टेक्स्ट को लिखने के बाद उनको ये नहीं समझ में आता है कि कौन से बैकग्राउंड कलर में कौन सा टेक्स्ट को कलर यूज किया जाता है। लेकिन मैं ऐसे कहूंगा ना, डोंट वरी, इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, टेक्स्ट इफेक्ट में जाओ, ग्लो में जाओ, मोर ग्लो में जाओ, अब यहाँ से कलर में जाओ, वाइट करो, इसको 10 कर दो, कम से कम मिनिमम 10 कर दो। अभी मज़ा नहीं आ रहा है, डोंट वरी, फिर से इसको सिलेक्ट करो, और आपको क्या करना है, सेट करने के बाद टेक्स्ट का जो आउटलाइन है रेड कर दो दोबारा से। अब क्या करो, इसको बोल्ड करो, अब साइज को बड़ा करो, अब जरा दिखाओ मेरे को कितना मस्त मस्त डिजाइन हुआ ना यहाँ पे, देखो मस्त डिजाइन हुआ है। इस पर फिर से सेलेक्ट करो, मज़ा नहीं आ रहा है, इस थोड़ा सा ज़्यादा ये हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा बढ़ा दो। अब इसके साइज को थोड़ा सा और छोटा कर दो, ये और ये कर दो, आप ये कर दो। अब यहाँ आप इसको लेकर चले आओ, मज़ा नहीं आ रहा है, चलो फिर से जाओ इंसर्ट में, फिर से जाओ शेप में, और यहाँ से ये वाला जो यहाँ है ना राउंडेड रेक्टेंगल, इस पर क्लिक करो और ये कर दो ऐसे। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। फॉर्मेट में जाओ, से फिल में जाओ, नो कर दो, आउटलाइन कर दो यहाँ से वाइट। ये जो येलो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये जो येलो दिख रहा है ना, ये इस पर आपको कुछ नहीं करना है, इस पर दबा करके इसको खींचो, माउस का है, उस माउस को दबाओ, खींचो, आउटलाइन को थोड़ा सा और मोटा कर दो। अब थोड़ा सा इसको और ऊपर करो, इसको थोड़ा सा और ऊपर करो, अभी देखते जाओ ना, मज़ा आ जाएगा। ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये मुझे बेकार लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगेन जाऊँगा, एक यहाँ से ये ले लूँगा ऐसे, और यहाँ पे इसकी कलर का जो फील है येलो करके आउटलाइन नो कर दूंगा। अब दोबारा से यहाँ राइट क्लिक करने के बाद एडिट पॉइंट में जाऊँगा, और इसकी पॉइंट को मैं यहाँ से अच्छे से, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा था तो मैं इसको अच्छे से, ये जो पॉइंट है इसको एडिट करूँगा, ठीक है, ताकि अच्छा लगे, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा था उस वक्त, तो मैं क्या करता हूँ इसको और एडिट कर देता हूँ। देखो ये और बेकार लग रहा है, तो यहाँ से ये जो है ना, ये इस पर क्लिक करना है, इसके बाद इस पर भी आप कर सकते हो, देखो ये हो गया आपको इस तरह से, ठीक है, और ये आप नीचे ला सकते हो, इसको और भी नीचे ला सकते हो, देखो ऐसे करके ये हो गया। अब इसको कंट्रोल दबा के खींचो तो डबल हो गया, और इसको रेड करो, और इसको सेंड टू बैक करो, और आराम से कर दो, ठीक है, ये देखो गड़बड़ हो गया। तो फिर इमेज को भी आपको क्या करना होगा, आपका जो फोटो है उसको भी सेंड टू बैक करना होगा। अब देखो यहाँ से इसको ऐसे कर दो, और ये जो अगर गड़बड़ हो जाता है तो इसको और ऊपर करो, और इसको अब लेकर जाओ, अब इसको लेकर इसको और नीचे, हाँ देखो ये डिजाइन, न्यू डिजाइन, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ चलो अब मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे मोटिवेशन चीज़ें। अब क्या करना है, अब अगर मान लो कि कोई इमेज डालना है, तो जब कोई इमेज डालोगे तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड नहीं हटाते हैं, जब तक आप किसी भी बैकग्राउंड का इमेज नहीं हटाते हैं, बैकग्राउंड रिमूव नहीं करते हैं, तो फोटो तो भद्दा लग गई। तो भैया क्या करो, अरे क्या करो, गूगल से PNG में डाउनलोड कर लो, या फिर इस वेबसाइट के जरिए आप उसको रिमूव कर दो। जैसे मेरे को कुछ क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, सपोज एग्जांपल्स में अभी यहाँ पे आप बता रहे हो, तो मोटिवेशनल किसी स्टूडेंट का इमेज डालना है, किसी स्टूडेंट का इमेज डालना है, तो लिखोगे स्टूडेंट इमेज ट्रांसपेरेंट, कुछ भी होता है, स्पेलिंग गलती होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अब यहाँ से जितने भी इमेजेस हैं यहाँ पे वो सारे ट्रांसपेरेंट हैं, बस आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से डाउन इस पर क्लिक करके, अगर डाउनलोड को देता है आपसे तो ठीक है, नहीं देता तो यहाँ पर क्लिक करो राइट क्लिक, और सेम इमेज पर क्लिक करो, ये इमेज सेव हो जाएगा। दोबारा से आप जाओ इसमें, और इसमें जाओ, पिक्चर्स में जाओ, डाउनलोड में जाओ, और ये देखो इमेज, देखो बैकग्राउंड नहीं हटा हुआ है, तो डोंट वरी, ये वेबसाइट है ना जिंदाबाद। क्या करना है, अपलोड इमेज पर जाओ, डाउनलोड में जाओ, जो ये इमेज डाउनलोड किया सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, वेट करो, और इसके बाद यहाँ पे अपना इमेज सेट करो। अब इसको डाउनलोड कर लेना है,
अब जाओ दोबारा से पावर पैट में, इंसर्ट में जाओ, पिक्चर में जाओ, डाउनलोड में जाओ, ये फुली बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हो कि मेरे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं यहाँ पे इमेज को डाल दूंगा, लेकिन ये गड़बड़ लग रहा है, मैं क्या करूँगा, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक, इसको थोड़ा सा और ऊपर करूँगा और नीचे लाऊँगा, ज़्यादा हो गया तो इसको और छोटा कर दूँगा इसको। अब जाऊँगा फॉर्मेट में, को यहाँ पे जा करके इसकी ये थोड़ा बढ़ा दूँगा, इसकी थोड़ा सा ये थोड़ा सा गोरापन ला दूँगा इसमें, ठीक है, और थोड़ा सा लाइट को यहाँ से मैं बढ़ा दूँगा, इतना ही रहने देते हैं। अब देखो कितना मस्त लग रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ खेल, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अब और भी डिज़ाइन में सिखाने वाला हूँ आपको, डोंट वरी डोंट वरी। अब क्या करना है मेरे को, इसको थोड़ा सा इसको ये थोड़ा सा और नीचे दिखलाना है। अब इसी शेप को खींच करके डबल कर देना है। डबल करने के बाद इसको ऐसे करके, इसको ऐसे करने के बाद इसकी कलर को मेरे को चेंज कर देना है, ये सॉरी आउटलाइन कलर को चेंज कर देना है, ये आउटलाइन मेरा को मेरे को ये रेड करना है। अब थोड़ा सा ऐसे करने के बाद अब इसकी आउटलाइन थोड़ा सा और मोटा कर देना है। कर देने के बाद यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा अलग डिज़ाइन आ गया। वेट करो, नया नया डिजाइन अपने पावर पैंट से सेट करो। देख आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अभी देखते जाओ, पावर कुछ भी हो जाए मैं यूनिक चीज़ें हमेशा लाता रहता हूँ, जो कि किसी ने उस पर बात भी नहीं किया हो कभी। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँगा, कोई एक और इमेज को लाऊंगा। अब मान लो कि आपने ये करा तो आप चाहते हो कोई शेम्बुल को लाना, तो सिंबल भी ला सकते हो। सिंबल में ही किसी को नहीं पता होता है अच्छा सा सिंबल कहाँ से लाए, बकरा का सिंबल कहाँ से लाए, बकरी का सिंबल कहाँ से लाए, पता नहीं चलता है। तो सारा सिंबल अवेलेबल होता है, सारा सिंबल अवेलेबल होता है, देखो कैसे आता है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको सारा सिंबल अवेलेबल है। सबसे पहले सिंबल को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट में जाओ और ये जो टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप जाओ इंसर्ट में, आप जाओ सिंबल में, आप जाओ यहाँ से वेडिंग्स में। देखो यहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे आपको ऑप्शंस, आपको यहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे में है, सबसे देखो यहाँ पे ऊपर में ये सब नहीं लेना है, ये सब नहीं, और देखो ये जो है ना ये विंडिंग्स, थ्री विंडिंग्स, टू विंडिंग्स, सिर्फ विंडिंग्स तीन है, ठीक है। तो तीनों में जाओगे तो ये आपका सिंबल दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ से कितना मस्त दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे एक दो तीन भी राउंडेड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक दो तीन भी राउंडेड में है, देखो जो एमआर में होता है, देखो इतने सारे, मज़ा नहीं आ रहा है। तो क्या कर लो यहाँ से, यहाँ विंडिंग्स को यहाँ पे टू कर दो। अब देखो यहाँ पे इतने सारे सिंबल्स, अभी मज़ा नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं लेना आपको, आप थ्री में चले जाओ, थ्री में देखो इतने सारे, अभी भी टेंशन नहीं लेना है। अब आपको और भी ऊपर जाना है, देखो इसमें देखो ये विंडिंग्स में देखो कितने सारे यहाँ पे सिंबल, देखो यहाँ बकरा बकरी जितना है, देखो यहाँ पे सारा चीज़ दिख रहा है, पक्षी जितने भी है यहाँ पे इतने सारे, किसी भी चीज़ को आप इंसर्ट कर सकते हो। मान लो एग्जांपल्स में आपको कोई बुक्स वाला करना है, या फिर कॉल्स वाला करना है, यहाँ पे टेलीफोन वाला करना है, या कोई भी करना है, मेरे को क्या करना है एग्जांपल्स में, मैं कर देता हूँ कौन कर दूँ। अब देखो बकरा बकरी जो भी है यहाँ, पता नहीं क्या मैंने इंसर्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ये जो है ना इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा करो, फटेगा नहीं क्योंकि ये टेक्स्ट है, इसको कर दो वाइट। अब ये बढ़ा दो, ये देखो इसको छोटा करो, इसको थोड़ा सा ये देखो, आप देख रहे हो ना, ये देखो आप देख रहे हो क्या, इतना डिजाइन पावर पॉइंट में कौन बताता है। ये अभी वेट करो कुछ देर और वेट करो, और अच्छे अच्छे डिजाइन को अपने पावर पॉइंट से सेट करो। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब एक और शेप में कोई भी शेप ले लो, आप टेंशन नहीं लेना, मैं एक और नया डिजाइन शेप निकालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ये डिलीट करता कि मेरे को जगह मिल जाए थोड़ा सा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो शेप में जाऊँगा और ये डिजाइन में लूँगा, देखो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, देखो मैं ये डिजाइन लूँगा यहाँ पे, ये कौन सा डिजाइन है, ठीक है। तो इस पर मैं कोई भी शेप के ले लो और इसको आप ऐसे खींच दो, ये जो यहाँ पे येलो दिख रहा है इसको धर के इसको ऐसे खींच दो, ये हो गया आपका ऐसे, राइट। अब क्या करना है आपको, इसमें शेप फिल कर देना है आपको येलो, कंट्रोल दबाकर खींचो, डबल कर दो, कंट्रोल दबाकर खींचो, इसको डबल कर दो, सेव फील में कर दो रेड। अब रेड में जाने के बाद आउटलाइन को कर दो नो। अब यहाँ से जाओ रोटेट में और इसको रोटेट कर दो, पलट दो इसको। अब क्या करना है, वेट करो थोड़ा सा, इसको सट्टा दो, इसको और सट्टाओ, इसको छोटा कर दो, और इसको नज़दीक लाओ, और इसको नज़दीक लाओ, और ये अब इसको जब आपने नज़दीक ला दिया तो ये जो ये हुई इसको भी तो नज़दीक आप लाना पड़ेगा ना। अब ये बस आपको इतना ही रहने देना है, इसको और इधर करो, ये मैं कर दे रहा हूँ ऐसे।
तो आपको लग रहा हो कि क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप देखते जाओ ना क्या डिजाइन में कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करो, शेप इफेक्ट में जाओ, विवेल में जाओ, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करने के बाद शेप इफेक्ट में, विवेल में, और इस पर क्लिक करो, राइट। अब इसको क्या करना है, आपको सटाते जाना है और इसको इधर सटाते जाना है। ऐसे जब करते जाओगे तो एक आपके पास ऑटोमेटिक एक न्यू डिजाइन आएगा। देखो ये बड़ा हो जा रहा है, तो ये थोड़ा सा इतना ही रहने दो। अब ये आपको छोटा कर देना है, ये आपका न्यू डिजाइन आ गया यहाँ पे। अब इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि ऐसा डिजाइन किया कहाँ से भाई, ये किया कहाँ से। अभी रुको, मैं थोड़ा सा एक और बढ़िया सा एक डिजाइन आपको बताता हूँ। इसको मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, एक इसको भी यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, और आपको एक न्यू डिजाइन निकाल कर बताता हूँ, ठीक है। इसको रहने देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छी लग रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाने के बाद मैं ये वाला जो शेप है यहाँ पे, इसको मैं ले लूँगा, और यहाँ से मैं यहाँ से ऐसे इसको कर दूंगा। ऐसे करने के बाद इसके जो शेप फिल है वो मैं कर दूंगा यहाँ से येलो, और यहाँ से आउटलाइन इसकी यहाँ पे मैं ना हटा दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से एडिट पॉइंट पे क्लिक करूंगा, और ये इसको ऐसे से हटा दूंगा, इसको ये ऐसे कर दूंगा, और यहाँ से कंट्रोल दबाकर इसको खींचूंगा। खींचने के बाद यहाँ पे रोटर में जाने के बाद इसको उलट करके इसके मैं इस साइड में यहाँ पे इसको कर दूंगा। अब यहाँ पे आ गया तो मज़ा नहीं आ रहा है, फिर से कंट्रोल दबा करके इसको खींचूंगा खींचने के बाद, और खींचने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ से फॉर्मेट में जाने के बाद फिर से रोटेट में जाऊँगा, और इसको फिर से इसको उलट पुलट जो भी करना है इसको ये ऐसे कर दूंगा, और इसको नीचे ला करके, और नीचे ला करके, और इतना, हाँ चलो इक्वल हो गया। अब इसको खींच दूंगा यहाँ से, यहाँ से हटा दूंगा, और इसको यहाँ से यहाँ से हटा दूंगा, ये कंप्लीट हो गया। फिर से कंट्रोल दबाने के बाद उसको ऊपर खींचूंगा, खींचने के बाद रोटेट करके, और इसको नीचे की, और इसको ला दूंगा, और बस इसको आपको ऊपर में सिर्फ और उसको शेड कर देना है। ये आपका न्यू डिजाइन, ये वो सॉरी नीचे गायब हो गया ये, चलो रहने देते हैं, सिर्फ यही रहने देते हैं। अब नीचे में देखो, अब ये मान लो कि यहाँ पे कर दो, ये आप यहाँ पे कर दो, ये देखो ये मज़ा नहीं आ रही है, क्या कर दो ना, इसको आप थोड़ा सा और बड़ा करो, और इस साइड में ला दो, और इसको थोड़ा सा भी अगर उसी हिसाब से, यार इसको डिलीट ही कर दो, इसको थोड़ा सा और इधर कर दो, और ऊपर, और इसको और नीचे, और इसको मेंटेनेंस में ला दो इसको ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या करो, ऐसे कर दो, ये आपका इतना ही रहने दो, हाँ ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से और छोटा होना चाहिए, और छोटा थोड़ा सा, ये मेंटेन, ये मेंटेन। अब बताओ क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं। ये तो ये शेप आपका हो गया, अब यहाँ से आपका ये कम्प्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, अगर आप ये नहीं लाना चाहते हैं तो फिर से डिलीट करो, इंसर्ट में जाओ, शेप इफेक्ट में जाओ, ये शेप लो, और ये शेप लेने के बाद ऐसे करो। ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट जाना है, शेप फिल में आपको येलो लेना है, आउटलाइन में आपको नो कर देना है, इसको इधर लाना है, और इसको रोटेट में जाने के बाद इसको इस तरह से पलट करके इसको फिर से यहाँ पे इसको ऐसे कर देना है। करने के बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद एडिट सेक्शन में जाना है, और इसको ऐसे स्टाइल देना है। स्टाइल देने के बाद ज़्यादा नहीं, बस इतना ही रहने देना है, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, बस इतना ही रहने दे सकते हैं, लेकिन इतना मज़ा आएगा नहीं, आपको इतना करना ही पड़ेगा। और ज़्यादा करना है तो इसको हटा दो, ज़्यादा करने के बाद इसको यहाँ से इतना ज़्यादा इसको और यहाँ पे इतना ला सकते हो, लेकिन ये मज़ा नहीं आ रहा है, अभी मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या करो, इसको इसको हटाओ, राइट क्लिक करो, और इस पे जा करके अब खुद से यहाँ से भी चाहते हो तो यहाँ से इसको ऐसे करो, यहाँ से चाहते हो तो यहाँ से भी इसको ऐसे करो, मतलब जितना ज़्यादा आप चाहते हो ना डिजाइन, बहुत सारा ना यूनिक चीज़ें होती है एक्सेल में, वर्ड में, और पावर में बहुत ही होता है। मेरे को बहुत ही ज़्यादा अभी भी मेरे को इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि मैं क्या क्या आपको सिखाऊँ, लेकिन एक वीडियो में तो आपको सिखा नहीं सकता हूँ, तो आप वेट करो। हाँ अब और आगे मैंने बताया था कि और मैं डिजाइन सिखाऊंगा। देखो तो जैसे और क्या डिजाइन था, और क्या डिजाइन था, और डिजाइन मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये डिजाइन है, इतना मस्त डिजाइन मैं कैसे करा इतना मस्त डिजाइन। अरे वेट करो, वेट करो, वेट करो, अच्छे अच्छे डिजाइन को सेट करो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा इंसर्ट में, जाऊँगा शेप में, जाऊँगा टेक्स्ट वाला में, मैं यहाँ से लिखूंगा, मैं कुछ भी यहाँ से लिख लेता हूँ, AIO कंप्यूटर जॉन, और यहाँ से क्या करता हूँ कि इसकी जो फॉन्ट है वो मैं चेंज, मेरा फेवरेट है ये, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ रेड। रेड करने के बाद फॉर्मेट में, शेप इफेक्ट में, ट्रांसफॉर्म में, सॉरी यहाँ पर नहीं है, ग्लो में, ग्लो ऑप्शंस में, और यहाँ से कर देता हूँ वाइट। अब इसको मैं कर देता हूँ ये इधर, चलो अब क्या करता हूँ, मुझे कोई जैसे कुछ मैं बना रहा हूँ, जैसे मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ, मुझे कंप्यूटर में ज़्यादा नॉलेज है, कंप्यूटर में पढ़ाता हूँ, तो ऐसे में क्या करूँगा, कोई कोई कंप्यूटर का ही इमेज ना लूँगा मैं यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, कोई कंप्यूटर का इमेज मैं ये ले लेता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। लो ये ऐसा भद्दा लग रही है, ऐसा थोड़ी होता है डिजाइन करोगे, ऐसा थोड़ी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आपको, इस पर क्लिक करो, फॉर्मेट में जाओ,
पिक्चर इफेक्ट में जाओ, सॉफ्ट एज में जाओ, 50 पॉइंट्स पे क्लिक कर दो। अब जरा हम मेरे को बताओ कि ये डिज़ाइन में कुछ चेंजेस आया ही नहीं आया। इसको कर दो इधर, ये और इधर कर दो, मज़ा आ गया। इसको कर दो, इसको और ऊपर बीचों बीच कर दो इसको। अब इसको क्या करना है देखो, इंसर्ट में जाओ, फिर से एक्सेप्ट लो और छोटा सा लिखो बाई बाई, यहाँ से मैं कर दूंगा डीके वर्मा फाउंडर कुछ भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ इसको बोल्ड कर देता हूँ, साइज को छोटा, इसको और ऊपर। चलो कंट्रोल दबाकर खींचूंगा, कॉलस प्लस 9172628732। ठीक, ध्यान देना यहाँ पे 95। इसको ले जाऊंगा ऊपर, ये मैं कर दूंगा ऐसे। देखते जाओ कैसा कैसा डिजाइन होने वाला है। इंसर्ट में जाऊंगा, पिक्चर में जाऊंगा, मेरे पास जो इमेज है उसकी बात कर रहा हूँ, आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कोई इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, कुछ बना रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ लोगों को, तो कोई भी यहाँ से मैं अपना इमेज जो है वह ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मैं इसको इफेक्ट डालता हूँ, करेक्शन में जाऊँगा, ये 50 पूरा कर दूंगा, इसमें कोई मतलब जो भी यहाँ पे इफेक्ट है इफेक्ट डाल दो। ये देखो आप देख रहे हो ना, अभी वेट करो। अब मैं यहाँ से अपना इमेज फिर से यहाँ पे अपना इमेज डाल देता हूँ, ये सॉरी ये अपना इमेज नहीं आ रहा, ये बार बार आ रही, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ही कर देता हूँ ऐसे। अब दिखाओ ज़रा क्या मज़ा आ रहा है आपको, ये थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये बैकग्राउंड में रहने दो, ये बैकग्राउंड में रहने दो थोड़ा सा बड़ा, और इसको रहने दो यहाँ पे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा गोरापन कर दो, क्या दिक्कत हो रहा है, इसको थोड़ा सा ये स्मार्टनेस आ जाएगा थोड़ा सा। चलो अब देखो क्या डिज़ाइन में चेंजेस आ रहा है, अब देख पा रहे हो ना कि ये डिज़ाइन है। सेव करने की बात रहा तो फाइल में जाओ, सेव एज पर क्लिक करो, और यहाँ से इसकी जो फॉर्मेट है वो कर दो PNG कर दो और सेव कर दो। तो क्या होगा कि ये जो इमेज है वो आपको PNG में सेव हो जाएगा, फोटो में सेव हो जाएगा। आप जाओगे डॉक्यूमेंट में तो ये जो है वो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर ये इमेज आपको मिलेगा, जहाँ से आप अपने फेसबुक पर डाल सकते हो, ट्विटर पर डाल सकते हो, जहाँ आप डालना चाहते हो इस इमेज को, जो आपने अभी सेव किया था इसको, उसको डाल सकते हो। देखो ये फुल्ली इमेज में है, जो कि कितना अच्छा यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है, देख रहे हो ना। हाँ, तो और भी हमारे पास है, आप अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आगे का जो प्रोसेस है मैं बताऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, ऐसा वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर।